दोस्तों, अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है
और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह, अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वे रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है
और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर
के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद ही अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह, अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वे रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर
के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद ही अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है,
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है
और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह, अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वे रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है
और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तरे, कुणाल ठाकुरे, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर
के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद ही अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंगे, सोम मजुमदार, विनीता खरतरे, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह, अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह, अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं, जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वह रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है, और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है
और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कबीर सिंह मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 21 जून 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी कबीर सिंह, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 2019 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नितिका दत्ता, आदिल हुसैन, टीना सिंह, सोम मजुमदार, विनीता खत्तर, कुणाल ठाकुर, सुरेश ओबेरॉय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर राजधीर सिंह अमीर बिजनेस टाइकून राजधीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे हैं। उसके पास गंभीर क्रोध प्रबंध की समस्याओं के साथ विरोधी उदंड व्यक्तिगत लक्षण हैं जो उसे एक धमकाने वाले की उपाधि दिलाते हैं। एक अंतर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ विवाद के बाद कबीर से कहा जाता है कि या तो वे माफ़ी मांगे या चला जाए, लेकिन नई छात्रा प्रीति सिक्का की नज़र पड़ने पर वे रुकने का विकल्प चुनता है। कबीर और उसके दोस्त और छात्र संघ के सामने घोषणा करते हैं कि कबीर ने विशेष रूप से प्रीति से दावा किया है कि शुरू में डरपोक होने के कारण वे उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अत्यंत उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक होता है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चला जाता है। दूरियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया। प्रीति स्नातक होने के बाद वे कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चुंबन करते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर निकाल देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिशों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता रहता है। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। प्रीति बाद में समय पर उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया और अगले 2 दिन तक बेहोश रहा। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसे उसकी हरकतों के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।